मैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, एमबीबीएस एमडी, संचालक आशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंटोनमेंट कामठी नागपुर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर मंथ ये क्वालिटी मंथ करके सेलिब्रेट किया जाता है और आपको बताते हुए अत्यंत खुशी होती है कि रूरल एरिया में, तहसील एरिया में और आशा हॉस्पिटल ये पहला हॉस्पिटल है जिसे फुल्ली एक्रेडिटेड एनएबीएच का दर्जा प्राप्त हुआ है। एनएबीएच मतलब क्वालिटी। हर वर्ष नवंबर मंथ को क्वालिटी मंथ मनाया जाता है और हमने पहला सप्ताह क्वालिटी सप्ताह के रूप में आयोजित किया है और यह हमारा हर वर्ष का प्रोग्राम रहेगा। क्वालिटी जो कोई भी फील्ड में होती है वही उसको आगे बढ़ाती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मंत्र है, नो डिफेक्ट और फुल इफेक्ट। नो डिफेक्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी, 100% बेस्ट। वी आर डूइंग फॉर 100% बेस्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर, एंड वी आर वेरी प्राउड दैट इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस वी आर एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। थैंक यू सर, वेरी मच। नागपुर में पहला हॉस्पिटल होगा जो आप ये प्रयास करते रहते हैं। नागपुर में और भी रह सकते हैं लेकिन हमारा प्रयास ये सचमुच, वी आर द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट इन नागपुर टू हैव दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम। सर, हमने देखा कि कोरोना काल में काफी आशा हॉस्पिटल ने मदद की है लोगों की, और अच्छा यहाँ से उपचार होकर लोग गए भी हैं, अपने अपने घर पहुंचे हैं, और वो अनुभव और अब उसके बाद का अनुभव कैसा रहा सर, कोरोना काल का आपका क्या अनुभव? कोरोना काल का अनुभव, एक वैसे तो कोरोना का जो पीरियड था बड़ा ही कष्टदायक, पीड़ादायक था, लेकिन उस कठिन और विषम परिस्थिति में भी हमें अनेकों मरीजों को एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करने का मौका मिला और उस दरमियान हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी लोगों की मदद की है। लोगों को सिर्फ लंग से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम है और चेस्ट पेशेंट को दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये तीन स्पेशली डिपार्टमेंट जो हमारे हैं, और चौथा चीज मैं आपको एक और बता दूं कि हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी के लिए एडवांस माइक्रोस्कोप है। ये जो माइक्रोस्कोप है इसमें कैंसर का जो गांठ होती है, ये कैंसर की गांठ एकदम अच्छे से दिख जाती है नॉर्मल ब्रेन टिश्यू से, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कैंसर की गांठ, ब्रेन की कैंसर की गांठ निकाली जा सकती है। तो ब्रेन के जितने भी ट्यूमर्स हैं, और हमारे पास ये लेटेस्ट मशीन है जो कि हम लोग ने अभी इंस्टॉल किया है, लास्ट मंथ ही हमारे यहाँ ये मशीन इंस्टॉल हुई है बस दिवाली के पहले। तो इससे पेशेंट्स को होने वाली सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, और ब्रेन कैंसर की वजह से जो लोग ऑपरेशन नहीं करा पाते और बहुत सारे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल सकती है, तो वो भी हम लोगों के यहाँ हो जाएगा। देखा जाता है कि सर बहुत सारी सुविधाएं हमारे नागपुर में भी नहीं है, उसके लिए मुंबई या पुणे भी जाते हैं डॉक्टर्स, तो अभी वहां जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आशा हॉस्पिटल में मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट नागपुर से हैदराबाद जाते हैं, तो बट अब उसको हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं, वो चीज नागपुर में कम कॉस्ट में उपलब्ध हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, TNN 24 न्यूज़ चैनल के दर्शकों के लिए आज मेरा एक संदेश लेके आया हूँ मैं आज। ये आशा हॉस्पिटल कामठी में स्थित, यहाँ पे एक हम लोग एक यूनिक प्रोग्राम एक आयोजन किया है, जो ये हफ्ते में जो है एक हम लोग वर्ल्ड क्वालिटी वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो जिसका आज उद्घाटन है, इनॉग्रेशन जिसे कहते हैं। तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक जो है हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं मेरे मित्र आइजैक सिन्हा, ये एक्रेडिटेशन मैनेजर है आशा हॉस्पिटल कामठी नागपुर के, तो ये आपको मार्गदर्शन करेंगे उसके बारे में। और मैं डॉक्टर असल गौरी, आशा हॉस्पिटल कामठी नागपुर का CEO। आइजैक आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? नमस्कार, मेरा नाम आइजैक है, जैसे सर ने सोर्स? बताया। आपको मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो क्वालिटी या गुणवत्ता जिसको हम हिंदी में जैसे जानते हैं, तो इसका एक अपने आप में महत्व है। हर इंडस्ट्री में, हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में हम जैसे गुणवत्ता ढूंढते हैं, तो जो वर्ल्ड वाइड जो हमारा क्वालिटी इनिशिएटिव या क्वालिटी प्रमोशन का जो टास्क रहा है,
तो इस पे हमेशा से ही हमने जब फोकस किया है ना, ये मैनकाइंड का एक स्टार्टिंग से ही एक कह सकते हैं एक यानी इनबॉर्न एबिलिटी रही है कि हम क्वालिटी को कैसे प्रमोट करें, कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को, कैसे हम अपने लिविंग को, कैसे हम हायर वैल्यूज पे लेके जाएं। सो क्वालिटी इज नथिंग बट एन एफर्ट टुवर्ड्स दोज डायरेक्टिव्स, एन एफर्ट टुवर्ड्स दोज अचीवमेंट्स। तो हम लोग ये जो क्वालिटी वीक ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे तो नवंबर महीना पूरे वर्ल्ड वाइड क्वालिटी मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग इस माध्यम से क्योंकि हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, तो हेल्थ केयर में जो क्वालिटी में जो हम लोग या गुणवत्ता में जो हम मापदंड रखते हैं या फिर जो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी एरियाज हैं, जो कंसर्न एरियाज हैं, जिससे कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले, जिससे कि वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से एक अपना अश्योर्ड वे से एक सर पेशेंट को क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है आपके इस प्रयास से? पेशेंट ही सबसे बड़ा लाभार्थी होता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आजकल सब कुछ एक प्रोसेस अप्रोच के माध्यम से चलता है। तो जब हम एक प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें एरर्स होना लाजमी है। तो जब हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम ऑटोमेटिकली उन सारे एरर्स को घटाने की या फिर एकदम ना के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो पेशेंट सिर्फ एक इंजेक्शन लेने आया हो या फिर वो एडमिट होकर आईसीयू से या फिर सर्जरी के लिए भी जा रहा हो, तो जब प्रोसेस ठीक रहेगा तो एरर्स बिल्कुल नहीं होंगी, और जो हमारा प्रोटोकॉल सेट है उसी के आधारशिला पर पेशेंट आएगा और उसको ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर मिलेगी और वो सही तरीके से यहाँ से ठीक होकर जा सर जो जो आपका प्रयास चल रहा है ये मेरे ख्याल से पूरा महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा होगा ये सब आप जो कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं जो पेशेंट सेंट्रल इंडिया में, ये एक तरह से अपना पहला इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल इंडिया में एज सच जो क्वालिटी का जो परसेप्शन रहा है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज तक या फिर आप प्रोडक्ट या सिर्फ लिमिटेड एरियाज तक रहा है, जैसे आईएसओ या फिर उन एरियाज तक रहा है। हेल्थ केयर में एज सच क्वालिटी में ये एक तरीके से हमारा एक पहल हमने जो पहल की है, तो वी हैव ट्राइड कि हम लोग एक हमारे साथ और भी जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी इसके मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा। इसके पहले मैं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स वगैरह जो है इसके पहले मैं किए हुए हैं, ये एक आम बात हो गई है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल कम्स अंडर क्वालिटी। तो क्वालिटी पर से जो है इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, तो शायद ही अभी तक किसने इसमें रुचि डाला हुआ है। और आशा हॉस्पिटल में बस यही देखा गया है कि कैसे हम अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूवमेंट लगातार करते जाएं, कैसे पेशेंट्स को बेनिफिट मिल जाए इसके ऊपर में, इसके लिए मशहूर है आशा हॉस्पिटल, और वही दिशा में हम लोग एक सर मैंने कोरोना काल में देखा काफ़ी मेहनत किया आशा हॉस्पिटल ने, एक नाम चलाया आशा हॉस्पिटल का, और एक परिवार की तरह आपने उनको ट्रीटमेंट भी किया और हैंडल किया, सारी चीज़ें किया, क्योंकि लोग अपसेंट माइंड थे उस वक्त क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल तो किया है और उनका आपने इलाज भी किया। तो ये आइडियाज आते कहाँ से सर? आप बहुत नए नए आइडियाज लाते हैं जैसे कि अभी लाया आप। सर जैसा मैंने कहा है कि आशा हॉस्पिटल जो है इसमें जो है पेशेंट के हित में ही सोचा जा सकता है यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा है मैं डॉक्टर रसेल लॉरी, मिस्टर आइज़ैक सिन्हा साथ में जो है, ये यहाँ के जो है थिंक टैंक जिसे कहते हैं, तो यहाँ से जो आइडियाज निकलते हैं और ताकि पेशेंट को बेनिफिट हो। कमर्शियल हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, लेकिन जो पेशेंट के हित में जो मुहिम जो निकलता है वो आम आपको आशा हॉस्पिटल से ही मिलेगा। और यहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर वेदिका अग्रवाल, ये सारे हमारे काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं कि हम पेशेंट के हित में क्या क्या और नया कर सकते हैं।